हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी मैंने कमेंट्स में देखा लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका सीमन रिपोर्ट कैसा है, उनका काउंट इतना है तो क्या ये नॉर्मल है, कहीं कुछ घबराने की बात तो नहीं। ये इतने सारे क्वेश्चंस थे तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम आपको बताएं कि किस तरीके से आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो सीमन रिपोर्ट है वो नॉर्मल है या उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी आपको लगता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से जाकर के मिल सकते हैं। और जो टेंशन जो हमेशा एक दिमाग में बनी रहती है कि क्या ये चीज नॉर्मल है, कहीं इसमें कुछ घबराने की जरूरत तो नहीं है, तो आप खुद ही ये जान सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं। ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को पढ़ करके समझ सकते हैं कि कुछ टेंशन वाली बात है या नहीं। अगर हम बात करते हैं सीमन एनालिसिस की, तो सीमन एनालिसिस कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप ये टेस्ट के लिए जा रहे हैं, ध्यान रखिए कि कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का गैप रख के जाएं। गैप का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से, या तो संबंध बनाते समय या मास्टरबेशन का जो टाइम है वो 2 दिन कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का हो। अगर 2 दिन से कम गैप में अगर आप अपना सीमन सैंपल देना जाते हैं या 7 दिन से ज्यादा के गैप में देंगे तो वो रिपोर्ट गड़बड़ा सकती है। तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। दूसरा, सीमन एनालिसिस किसी भी अच्छी लैब से कराना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कोई भी छोटी मोटी लैब पे कराएं, कोई भी एक स्टैंडर्ड लैब में जाकर के ही अपने सीमन को टेस्ट कराना चाहिए। सीमन एनालिसिस के लिए आप ये अश्योर करें कि जो लैब है वहां पे आप सैंपल विद इन हाफ एन आवर ऑफ कलेक्शन, कायदे से जो सैंपल कलेक्शन है वो लैब प्रिमाइसेस में ही होना चाहिए। अगर किसी वजह से आप लैब में सैंपल कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस लैब में वो सुविधा नहीं है, आप घर से सैंपल कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो इंश्योर करिए कि कलेक्शन के आधे घंटे के अंदर अंदर वो सैंपल जो है लैब में प्रोसेसिंग के लिए पहुंच जाना चाहिए। सैंपल कलेक्ट करते समय अपने प्राइवेट पार्ट को और हाथों को अच्छे से धोइए, और जो सैंपल रहता है वो एक क्लीन कंटेनर में ही कलेक्ट होना चाहिए। ये सब अगर बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, उसके बाद जब रिपोर्ट आपके हाथ में पड़ती है तो फिर उस रिपोर्ट को कैसे समझे आज हमें बताने वाले हैं। तो सीमन एनालिसिस के रिपोर्ट में जो सबसे पहले होता है वो होता है सीमन वॉल्यूम। सीमन वॉल्यूम मतलब सीमन की मात्रा कितनी है। अगर ये मात्रा 1.5 ml या उससे ज्यादा है तो हम इसे नॉर्मल बोलते हैं। वॉल्यूम के बाद आता है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट का मतलब होता है 1 ml सीमन के अंदर में टोटल कितने स्पर्म्स हैं। अगर ये कम से कम 15 या उससे ज्यादा, 15 मिलियन या उससे ज्यादा का काउंट पर ml है तो हम इसे बोलते हैं कि ये नॉर्मल है। रिपोर्ट्स में फिर लिखा रहता है कि टोटल स्पर्म नंबर। टोटल स्पर्म नंबर मतलब कि जितना वॉल्यूम सीमन का निकला है उतने वॉल्यूम के अंदर में टोटल कितने स्पर्म्स हैं। अगर ये 39 मिलियन, कम से कम 39 मिलियन या उससे ज्यादा है तो भी हम इसे बोलेंगे कि ये नॉर्मल है। ये तो हुई काउंट और नंबर की बात। उसके बाद आता है स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब होता है कि टोटल जो स्पर्म्स है उसमें से कितने स्पर्म्स ऐसे हैं जो चल पा रहे हैं। तो टोटल स्पर्म मोटिलिटी कम से कम होनी चाहिए 40%, और ये 40% स्पर्म जो है इजैक्युलेशन यानी कि सैंपल देने के बाद 1 घंटे तक भी मोटाइल रहना चाहिए, और 40% में से कम जो 32% है वो प्रोग्रेसिवली मोटाइल होने चाहिए। प्रोग्रेसिवली मोटाइल मतलब फास्ट मूविंग स्पर्म्स, यही वो स्पर्म्स हैं जो फर्टिलिटी की यानी कि बच्चा पैदा करने की ताकत रखते हैं। तो ये नंबर जो है कम से कम या 32% से ज्यादा होना चाहिए। मोटिलिटी के बाद आता है स्पर्म वायबिलिटी। स्पर्म वायबिलिटी मतलब होता है कितने स्पर्म जिंदा है, आउट ऑफ टोटल स्पर्म्स कितने स्पर्म जिंदा है, और ये नंबर कम से कम 58% या उससे ज्यादा का होना चाहिए। स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी को अगर हम आम भाषा में समझना चाहें तो स्पर्म की शेप, स्पर्म का एक हेड होता है, एक नेक होता है, ये टेल होता है, तो ये एक नॉर्मल शेप के होते हैं। कभी कभी इसमें अबनॉर्मेलिटीज भी रहती हैं। तो अगर हम देखें कि किसको हम नॉर्मल बोलते हैं तो कम से कम जितने भी स्पर्म्स हैं उसमें से अगर 4% स्पर्म्स भी दिखने में नॉर्मल हैं तो भी कोई परेशानी नहीं आती है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल रिपोर्ट है। तो 4% या उससे ज्यादा जो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी अगर नॉर्मल है तो हम उसे बोलते हैं कि ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है, कोई नॉर्मल सीमन एनालिसिस है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स।
इसकी मात्रा सीमन में कितनी है ये तय करती है कि कहीं स्पर्म में सीमन में इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये 1 मिलियन या उससे नीचे है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मात्रा 1 मिलियन से ज्यादा आती है और आप ये एश्योर करते हैं कि आपने सैंपल कलेक्शन करते टाइम उन सब बातों का ध्यान रखा है, वो सब सावधानियां रखी हैं जो हमने पहले बताई थी, तो इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन है। आप अपने डॉक्टर से जाकर के मिलिए और हो सकता है वो आपको फिर एंटीबायोटिक्स या फर्दर कुछ टेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीमन पीएच। सीमन पीएच मतलब कि जो सीमन है उसमें वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो नॉर्मल सीमन अगर रहेगा जिसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हल्का एल्कलाइन रहता है, इसलिए उसका पीएच 7.2 या उससे ज्यादा का होता है। तो ये तो हमने जाना कि नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि नॉर्मल सीमन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, काउंट कितना होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपकी रिपोर्ट इस रेंज में आती है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी पैरामीटर इससे एबनॉर्मल रेंज में आ रहा है तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपने क्या सैंपल कलेक्शन करते टाइम वो सब सावधानियां बरती थी जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताई थी। अगर नहीं बरती है तो आप उन सावधानियों को बरतते हुए एक बार फिर से अपना सीमन एनालिसिस कराइए। अगर वो भी गड़बड़ आता है तो ये टाइम है, जाइए मिलिए अपने डॉक्टर से, जानने की कोशिश करिए कि वाकई में जो आपका एनालिसिस था रिपोर्ट को देख करके वो सही था या नहीं, और अगर वो सही था तो सीमन गड़बड़ी के क्या वजह रही, और वजह जानने के बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जहां तक बात रही सीमन एबनॉर्मेलिटीज की, तो अगर इन पैरामीटर से अलग है तो इसका मतलब सीमन एबनॉर्मल है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज ऐसी रहती हैं जिसे हम मेडिसिन देकर के ठीक कर सकते हैं, और कुछ एबनॉर्मेलिटीज ऐसी रहती हैं जो मेडिसिन के जरिए ठीक नहीं करी जा सकती। तो ये डिपेंड करता है कि सीमन में जो एबनॉर्मेलिटी है वो किस हद तक की है और उसकी क्या वजह है। तो जब भी कोई एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, एक तो सबसे पहले ये है कि आप निराश मत होइए। एक सिंगल रिपोर्ट के आधार पर हम किसी निर्णय पे नहीं आ सकते हैं। जरूरी होता है कि हम कम से कम 2 बार सीमन एनालिसिस कराएं, सब सावधानियों का ध्यान रखते हुए, और 2 रिपोर्ट के बीच में 1.5-2 महीने का कम से कम अंतर रखें। उसके बाद ही हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ वाकई में सीमन में इतनी प्रॉब्लम है, और फिर जब हम कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं सीमन पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज करने के लिए तो भी हमें टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप दवाइयां खाएंगे और 5-6 दिन में तकलीफ ठीक हो जाएगी। 2 से 3 महीना कम से कम ये एनालाइज करने में लगता है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो इफेक्टिव है या नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए। हम कोशिश करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि आपके द्वारा उठाए गए क्वेश्चंस को हम जवाब दें अपने वीडियोस के जरिए या पर्सनल कमेंट्स के जरिए, या फिर कभी कभी इसी तरीके से अगर हमें कुछ लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर लोगों ने पूछे हुए हैं, तो हो सकता है कि मैं उस पर कॉमन वीडियो बना करके भी डाल दूं। थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस।